हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी बजे हैं इवनिंग के 5 और आज संडे का दिन था, लेकिन काफ़ी बिजी डे था क्योंकि सुबह 8-9 बजे तो जगना होता है संडे के दिन। संडे की पूरी दिनचर्या अलग ही हो जाती है। संडे को आराम से जगो, फिर आराम से चाय पियो, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करो, फिर आराम से धूप में छत पे टहलो क्योंकि सर्दियों में धूप काफ़ी अच्छी लगती है। तो छत पे धूप पे चल जाते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो आज तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं क्रिकेट खेलने चला गया। काफ़ी दिनों बाद क्रिकेट खेला वैसे टेनिस बॉल से। तो यहाँ पे पास में एक पार्क है, तो उसमें मैं और अमित क्रिकेट खेलने गए थे। तो हमने एक ही मैच खेला था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया था। बहुत दिनों बाद हमने क्रिकेट खेला था और मेरे तो एक शॉट की वजह से गेंद पार्क से बाहर चली गई, जिससे मुझे आउट करार दिया गया। तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसमें क्योंकि कोई शॉट लगाया और उसमें वो आउट हो जाए, बाहर पहुंच जाए गेंद, तो इसलिए ज्यादा मजा नहीं आया। अब ये देखिए मैडम के यहाँ पर चीकू चालू है और आज तो यहाँ पर लाइट की काफी कटौती रही, लगभग 4-5 घंटे लाइट की कटौती थी आज। अभी दोपहर बाद लाइट आई है, तो मैडम ने अभी स्नान किया यहाँ पे हमने तो ठंडे पानी से नहा लिए थे, चिल्ड पानी से नहाने का अलग ही मजा है सर्दियों में, तो सर्दी पूरी गायब हो जाती है उसमें। तो मैं और अमित तो छत पे नहाए थे आज, छत पे धूप में अलग ही मजा है नहाने का। अभी शाम के 5 बज गए तो चाय का टाइम हो गया, तो चाय बनाओ कुछ सेवा करो पतिदेव और देवर की मुझे सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस में मेवा में अभी मेरा टाइम चल रहा है, सेवा करवा देना। तो देखो भाई, चाय बनाने के नाम पर मेरी सेवा और ना, मेरा बच्चा अंदर से बोल रहा है कि बोले ना। चाय पीनी हाँ है अदरक वाली है, बिना अदरक वाली कौन सी चाय पीनी है पूछ लो सर अदरक वाली पीनी। तो अभी अमित बनाएगा चाय, आ जाओ अमित चाय बना के पिलाएगा। अभी अदरक वाली स्पेशलिस्ट है, हम जयपुर जाते हैं तब भी वहां पे बहुत अच्छी चाय बना के पिलाता है अमित। और वो तो डेयरी का दूध होता है, उसका इतना टेस्ट लगता है। तो ये तो अभी गाय का दूध है, काफी टेस्टी है ये भी और हेल्दी भी है। तो उसकी चाय देखते हैं अब कैसी लगती है अमित के हाथों की। तो अमित अब चाय बना के पिलाएगा यहाँ पर अमित यहाँ पर चाय बना के लिया है बिल्कुल भैया भाभी के लिए जाओ चाय पिलो। आप भी आ सकते हो चाय पीने। ये देखिए। हेलो दोस्तों, आज मैं भैया बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने गए, क्योंकि तो मैं हम जब जयपुर से अजमेर आया हुआ हूँ तो क्रिकेट तो बनता ही खेलना, बहुत दिनों बाद मिले हुए हैं। तो हम पार्क में क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट खेल के आए। उसके बाद हम मार्केट में इम्पोर्टेंट काम था हमारा, वो इम्पोर्टेंट काम करके आए, फिर अब घर पर आए, घर पर खाना खाया। एक स्पेशल चीज़ आपको पता ही है, मैं भैया भाभी से पूछने वाला हूँ क्योंकि हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो उसके बारे में भैया भाभी से पूछना चाहता हूँ कि गर्ल किसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं, बॉयस या गर्ल्स। तो आइए जरा हम भैया भाभी से पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। देखो, हमने अभी अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है इस बारे में कि हम लड़का चाहते हैं लड़की चाहते हैं। तो हमने इस बारे में एक्चुअली अभी तक बात भी नहीं की है कि लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए फिर भी मतलब ओपिनियन क्या है आपका, जरा ओपिनियन बताइए। मैडम बताइए, मेरा ओपिनियन तो बताइए भाभी जी से पूछते हैं, भाभी जी का ओपिनियन क्या है। कोई ओपिनियन नहीं, भी सब इक्वल है मेरे लिए। आजकल देखो सब इक्वल है वैसे भी, और आजकल वैसे भी सबके ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो वैसे भी सब अपने बच्चे को है ना अच्छे से ही रखते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब बराबर है मेरे लिए। तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं ये बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा भाभी जी, है क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस बॉयज को दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। तो भाभी भैया भाभी की बातें सुन के ये लगा के लड़का लड़की में इक्वलनेस बहुत सबसे जरूरी है, क्योंकि लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं आजकल के समाज, कि नहीं करना चाहिए वो भी, क्योंकि दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। यहाँ पे आज हम बहुत दिनों बाद लूडो खेल रहे हैं। लॉकडाउन में काफी फेमस हुआ था ये लूडो गेम, तो आज हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं लूडो गेम खेलते हैं। ये देखो हमें तो अभी भी खेलने लग रहा है काफी मजा आया इसको खेलने में। और ये हमारे विनर है आज के लूडो गेम के तो दोस्तों, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। तब तक टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।